दर्द हो रहा है राघव। आह बहुत दर्द हो रहा है माँ। आराम से कर, आराम से कर। अरे माँ तू तो मेरा मरण है, तेरे छूने से ना मेरे सारे दर्द दूर हो जाते। माँ के साथ मजाक करता है, मारूंगी तुझे। ये तो मेरी हॉबी है। अब माँ के साथ ही मजाक। पार्वती अब तुम्हें राघव से दूर रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्यों राघव भी मेरी तरह घर जमाई बन रहा है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि अब राघव और वाणी सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, क्योंकि बहुत जल्द इन दोनों की शादी जो होने वाली है। देखा हमने गई वाणी बैठी। ऐसे राघव देखा तुमने मेरी वाणी के प्यार की कितनी ताकत है। आज तुम सही सलामत अपने परिवार वालों के साथ अपने घर पे। देखा उसका थोड़ा क्लासेस के अंदर बोलो कहीं। ये जल्दी से फ्रूट लो और मेरे वाणी का उपवास करो। बंद कर, बंद कर अपना ये झूठो अपना मन को नाटक। क्या बोल रही आप? सही बोल रही हूँ। ये लड़की तेरी पत्नी और हमारे घर की बहू बनने के लायक ना है। पर ये क्यों किया आपने? सही किया है। ये लड़की तेरी पत्नी और हमारे घर की बहू बनने के लायक ना है। और जो उपवास की ये बात कर रही है ये तो इसे पहले तोड़ चुकी पानी पीकर। हाँ माँ, तभी तो आप पानी पी पी कर इसे ताने मार रहे हो। बस करिए आप लोग प्लीज। मैं आप सबको कितनी बार बताऊं कि मैंने जानबूझकर उपवास नहीं तोड़ा था। एलर्जी थी मुझे, खांसी हो रही थी, बस एक घूंट पानी पी लिया तो क्या हो गया? ये तेरे पाप की ही सजा है जो मेरे पोते की ये हालत हो गई थी। आपका पोता मेरी जिंदगी है, खुद से ज्यादा प्यारा है वो मुझे। अरे दादी इतनी सी तो बात है, तो क्या हुआ? ये इतनी सी बात ना है। और राघव मैं तो ही प्यार करती हूँ, जाको फायदा मत उठा। जादू टोना पाने तेरे ऊपर किया है ना, बकवास है। जो जहां में कोई गलती ना दिखाई दे रही तुझे। आपको क्या लगता है मैं कोई तंत्र मंत्र करने वाली हूँ? राघव मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। राघव को अच्छे से पता है कि मैं उसके साथ कुछ गलत करना तो तू सोच भी नहीं सकती। आपको जो समझना है समझिए, पर बात तो ये है कि ये मेरे संस्कार और बड़ों के लिए आदर नहीं है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। प्यार का खुल्लम खुल्लम खेल। माँ प्यार करना जरूरी थोड़ी ना है, आप मुझे बताइए ना कि क्या तकलीफ है। मैं वाणी को समझाती हूँ, बच्चे हैं, बच्चों से तो गलती होती रहती है माँ, पर उसका यह मतलब नहीं कि आप मेरे वाणी पे और उसके संस्कार पे बार बार उंगली उठाएंगे। अच्छा है, अच्छा है। जा की सच्चाई पहले ही पता चल गई, जो शादी के बाद पता चलती तो घर की शांति भंग हो जाती। इस घर की शांति नहीं माँ, मेरे बेटी की जिंदगी खराब हो जाती।